एनसीईआरटी रिमझिम क्लास दूसरी कविता ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट का ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इस कविता के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता। इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिखना है। इस कविता का नाम ऊंचा ऊंट होना चाहिए था, यह कविता हमें अच्छी लगी। विद्यार्थी इस कविता के शीर्षक का नाम अपने मन से भी देने का प्रयास करें। प्रश्न, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। उत्तर, बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में मिलती है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा। तुम्हारी कक्षा की दीवार, बिजली का खंबा। उत्तर, ऊंट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। प्रश्न, हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। उत्तर, हाथी माँ के संदूक जितना मोटा है। प्रश्न, चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। उत्तर, चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। प्रश्न, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है। बच्चिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंबा, हाथी, आम का पेड़। उत्तर, बिजली का खंबा, हाथी तथा आम का पेड़। प्रश्न, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। उत्तर, एक छोटा बच्चा, एक बच्चिया, एक भेड़ या बकरी, कुत्ता या सभी छोटी चीज़ें। प्रश्न, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। सीढ़ी, बड़े डब्बे आदि। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। प्रश्न, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। हाथी, टीचर, पिताजी, शेर, दादाजी। हाथी, लकड़ी, सवारी, सामान। टीचर जी, बैंत, किताब, कापियां। पिताजी, बैग, मुझे, सामान को। बैग, मुझे, सामान। शेर, शिकार, शावक। दादाजी, छड़ी या पोते पोती का सामान। प्रश्न, नीचे कुछ शब्द लिखे, इन्हें बोलकर देखो। मिलते जुलते शब्दों को सही खाना में लिखो। झूठ, सूद, भला, दस, हस, तब, कब, गला, आलू, चालू, बालू, आलू, चालू, फस, धस, हंस, चला, भला, गला, जब, तब, कब, झूठ, सूट। प्रश्न, ऐसे ही ओ शब्द सोचकर लिखो। उत्तर, आग, साग, राग, दाम, राम, नाम, आम, नग, जग, लग। प्रश्न, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा लगाइए। उत्तर, बालू, बोझ, बैठेगा, बताओ। प्रश्न, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से चार शब्द और लिखो। मेरा नाम सुनीता है और स से शुरू होता है। सरगम, सरिता, सरोस। मेरे विद्यार्थी अपने नाम के अनुसार अब पहले वर्ण के हिसाब से लिखे। प्रश्न, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट का ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों। उत्तर, जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है
कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों को इस प्रकार से काम ना करवाएं, उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न, तुम्हारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं? उत्तर, गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंस इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, इसको पूरा करना है। अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। विद्यार्थी अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया बिना देखे बताइए? उत्तर, 13 बार ऊँट शब्द आया है। प्रश्न, चित्र में ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखना है और प्रत्येक विद्यार्थी को छिपे हुए ऊँट को गिनकर बताना है। इस कविता के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ लीजिएगा।